जय 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 प्रभुपा जय 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 प्रभुपा जय 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 प्रभुपा पतित पावन जय प्रभुपा पतित पावन जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय द्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीन बंधु जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन जय सुदर्शन बोलो दीना बंधु जगन्नाथ भगवान की दया के सागर बलदेव भगवान की बोलो करुणामयी सुभद्रा माता की बोलो भक्तों के रक्षक सुदर्शन चक्र जी महाराज की बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की बोलो दया के सागर नित्यानंद भगवान की बोलो अद्वैताचार्य महाराज की बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की जय बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की तो इन सब की कृपा से आज जगन्नाथ भगवान की कथा का 30वां दिन है। 30वें दिन में हमने प्रवेश किया है तो प्रसंग चल रहा राजा पुरुषोत्तम देव जी का प्रसंग आज आ रहा है। राजा पुरुषोत्तम देव कैसे थे जगन्नाथ लीला है ना सारी ये एक समय की बात है। उड़ीसा में गोंगा राजवंश के पुरुषोत्तम देव नामक राजा शासन करते थे। वह भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। राजा हैं जो परम भक्त हैं प्रायः राजा भक्त नहीं होते। देखो जो 60 साल जिन्होंने राजा राज किया वो भक्त नहीं थे वो भी राज कर रहे थे। वो क्या थे ठग थे और धर्म निरपेक्ष धर्म को ही खत्म कर दिया उन्होंने। राजा थे 60 साल तक लूटते रहे देश को लेकिन पुरुषोत्तम देव भगवान के बड़े भक्त थे। प्रति वर्ष रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए स्वयं रथ के आगे मार्ग झाड़ते थे। देखो राजा है कितनी विनम्रता है राजा के
लाखों नौकर चाकर रहे हैं। तो आगे भगवान का रास्ता साफ कर जगन्नाथ जी जाएंगे रथ पे बैठ के, झाड़ू लगाते थे पुरुषोत्तम देव जी महाराज। बोलो ऐसे महान भक्त राजा पुरुषोत्तम देव जी महाराज की। राजा मानते थे कि भगवान ये संसार की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। राजा सोचते ना मैं मालिक हूँ, लेकिन ये ऐसे नहीं थे। सबके स्वामी मालिक जगन्नाथ भगवान हैं और उनके देश के वास्तविक शासक हैं और देश के शासक भी जगन्नाथ जी हैं। मैं स्वयं को मनुष्य रूप में भगवान का एक तुच्छ सेवक ही समझते थे। मनुष्य रूप में अपने आप को भगवान का तुच्छ सेवक समझ रहे हैं, ये एक महान राजा की महानता है। एक बार राजा दक्षिण भारत के भ्रमण पर गए। वह कांची नामक एक राजा राज्य में पहुंचे एवं उन्होंने राजधानी के एक सुंदर बाग में अपने डेरे लगवा दिए। दूसरे राज्य में गए दक्षिण भारत के कांची, वहां राजा पुरुषोत्तम देव की भेंट कांची की राजकुमारी पद्मावती से हुई। कांची की राजकुमारी जो राजा की बेटी थी उससे हुई। दोनों एक दूसरे से परिचित हुए एवं पसंद करने लगे। कुछ समय के पश्चात कांची के राजा ने पुरुषोत्तम देव को अपने राजमहल में आमंत्रित किया। रानी एवं राजा दोनों ही पुरुषोत्तम देव से भेंट करके अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके समक्ष अपनी राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा कि राजकुमारी भी बैठी हैं और कांची का राजा भी एक मेरी बेटी, मैं विवाह आपसे करना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम देव यह प्रस्ताव पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे उड़ीसा लौट आए। कुछ समय पश्चात कांची के महाराज ने अपनी पुत्री के विवाह का औपचारिक प्रस्ताव लेकर अपने मंत्री को उड़ीसा भेजा। अब बात तो हो गई, अभी औपचारिक जो है भाई, अभी उपचार भी तो करना है ना। प्रस्ताव लेके भेजा, सहमत तो हो गए दोनों। अभी जैसे कि शिष्य है, कल मैसेज मिला कि तो महाराज को बता देना मेरा रोका हो गया। मैंने रोका पूछा तो है नहीं मेरे को, रोका उसका हो गया। ऐसे औपचारिक प्रस्ताव लेकर अपने मंत्री को उड़ीसा भेजा कि जाओ। पुरुषोत्तम देव ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। वह रथ यात्रा का समय था, संपूर्ण वर्ष रथ यात्रा काल ही पुरुषोत्तम देव को सर्वाधिक पसंद था। रथ यात्रा साल में एक बार होती है, वो पुरुषोत्तम देवी को बड़ा अच्छा लगता था। विवाह के प्रस्ताव ने उनकी प्रसन्नता में और अधिक वृद्धि कर दी। महाराजा पुरुषोत्तम देव ने कांची के मंत्री से कुछ दिवस के लिए और ठहरने की प्रार्थना की। वो आया कि तब कुछ दिन और रुको ताकि वह रथ यात्रा उत्सव में सम्मिलित हो सके। मंत्री को लगा कि उत्सव में सम्मिलित होने का उन्हें भाग्यवश सुअवसर मिल गया है। अतः उन्होंने उड़ीसा से अपने प्रस्थान के समय को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया। जो जाना था तो रथ यात्रा के लिए मंत्री जी रुक गए। रथ यात्रा के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान जगन्नाथ बलभद्र एवं उनकी बहन सुभद्रा के विग्रह के साथ ही सुदर्शन चक्र जी को मंदिर से बाहर निकालकर रथ तक लाया गया। रथ यात्रा की शोभा को देखने के लिए हजारों भक्त जन एकत्रित हो गए थे तथा कीर्तन ढोल नगाड़े के स्वर एवं शंख ध्वनि से दसों दिशाएं गुंजायमान हो गईं। कांची के राजमंत्री ने देखा कि पुरी के राजा हाथ में झाड़ू लेकर रथ के सामने खड़े हैं थे। और झाड़ू लेके खड़े, देखो राजा कितने विनम्र हैं।
बोलो पुरुषोत्तम देव जी महाराज की जय। झाड़ू लेके रथ के सामने खड़े हैं। ज्यों ही उन्होंने मार्ग को झाड़ना प्रारंभ किया, सफाई करना शुरू की, मंत्री भ्रमित हो गया। मंत्री भक्ति नहीं था, भ्रम आ गया उसको, भ्रमित हो गया। वहाँ साधारण लोगों के समान राज महाराज स्वयं सड़क झाड़ रहे थे। यद्यपि राजा यह कार्य भगवान जगन्नाथ की सेवा के रूप में कर रहे थे, किंतु मंत्री इस सेवा के महत्व को नहीं समझ सका। मंत्री मूर्ख था, नहीं समझ सका। देखो भक्त को वही तभी समझ पाएंगे, यहाँ ये समझो सारे, भक्त को हम सभी समझ पाएंगे जब हमें थोड़ी भक्ति का उदय होगा। भक्ति का उदय नहीं होगा तो कुछ समझ नहीं आएगी। इसलिए कांची का महामंत्री नहीं समझ पा रहा कि ये राजा क्यों सड़क साफ कर रहा है। उसने इस कार्य व्यवहार को राजा का अपमान समझा, क्योंकि मार्ग की स्वच्छता एवं सफाई का कार्य चंडालों का होता है। जो भंगी हैं उनको चंडाल कहते हैं बेचारे। अगर चंडाल भी भक्त हैं तो वो भी पूजनीय योग्य है। ये तो चंडालों का होता है, किसी राजा का नहीं। ये राजा का काम नहीं है। मंत्री ने तुरंत पूरी त्याग दी और कांची लौट गया, कांची में चला गया। कांची भी दक्षिण में ही है, कांचीपुर में चला गया। उसने जो कुछ पुरी में देखा था उसकी सूचना अपने राजा को दी। मंत्री ने कांची के राजा से कहा, राजकुमारी पद्मावती का विवाह चंडाल जैसे व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ कैसे हो सकता है? मूर्ख है। राजा पुरुषोत्तम देव के कार्य व्यवहार के मर्म को समझे बिना ही कांची नरेश अपने मंत्री के विचारों से सहमत हो गया। राजा भी भक्त नहीं है, राजा भी नहीं पहचान सका। देखो कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर कोई भक्त है सबको भक्त देखता है, अगर कोई भक्त नहीं है वो सबको वैसा देखता है। अगर कोई भक्त नहीं है तो वो भक्त के कार्य को नहीं समझता, वो अभक्त कोई जो है भक्त कोई वो अभक्त ही समझता है। अगर कोई मलिन मन का है वो भक्त नहीं है, वो भक्तों को क्या समझेगा? इसलिए शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। हर हालत में शुद्धि में लगे जाओ, धीरे धीरे समझाना शुरू हो जाएगी और कृपा हो जाएगी भगवान की। तो राजा भी सहमत हो गया। उसने पुरुषोत्तम देव के लिए यह संदेश भेजा कि वह किसी ऐसे मनुष्य के साथ अपनी प्रिय पुत्री का विवाह कदापि नहीं करेगा जो चंडाल की भांति मार्ग की सफाई करता है। इस संदेश ने पुरुषोत्तम देव एवं राजकुमारी पद्मावती दोनों की को ही पागल कर दिया। पद्मावती माता भी जो हैं वो भक्त माता थी, अच्छी आत्मा थी, इसलिए उसने भक्त राजा चुना अपना पति। वो भी बेचारी पागल हो गई दुख में, इससे भी अधिक परेशान करने वाली घटना यह थी कि कांची के राजा ने अल्पकाल में ही राजकुमारी पद्मावती के विवाह हेतु स्वयंवर के आयोजन का दिन निश्चित कर दिया। और उसने स्वयंवर रखा भाई, कन्या खुद अपना वर चुनती थी, दिन निश्चित कर दिया। पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव के अतिरिक्त देश के समस्त योग्य मनुष्यों को, राजाओं को स्वयंवर में भाग लेने हेतु निमंत्रण पत्र भी प्रेषित किया गया। निमंत्रण भी भेजा गया लेकिन पुरुषोत्तम देव जी को नहीं भेजा। पुरुषोत्तम देव इस अपमान से अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कांची के राजा से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली कि इसे बदला लूंगा मैं। राजा जो है स्वाभिमानी होते हैं, मेरा अपमान किया है। उन्होंने कांची के राजा के को युद्ध के लिए ललकारा। कांची के राजा भगवान गणेश के परम भक्त थे, परम भक्त एवं महान पुजारी थे, गणेश जी के पुजारी थे। उसने कुछ युद्ध भूमि में प्रवेश करने के पूर्व यह शर्त रख दी कांची के राजा ने कि पुरी का राजा युद्ध में पराजित हुआ
तो वह भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के विग्रह उन्हें सौंप देगा। शर्त क्या रखी? सौंप देंगे तथा कांची के देवालय में भगवान गणेश के पीछे उनकी स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार यदि कांची का राजा पराजित हुआ तो मैं भगवान गणेश की मूर्ति पुरुषोत्तम देव को सौंप देगा तथा उनकी स्थापना भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के पीछे की जाएगी। पुरुषोत्तम देव को उस समय युद्ध भूमि को छोड़ना पड़ा जब उनके शिविर में भयंकर आग लग गई। युद्ध जब कर रहे थे तो शिविर में आग लग गई, युद्ध भूमि को छोड़ना पड़ा उन्होंने। वह इससे स्वयं को अत्यंत अपमानित अनुभव करने लगे। मैं तुरंत समझ गए कि अब वे जगन्नाथ मंदिर के विग्रह को खो देंगे, कि मेरे जगन्नाथ चले जाएंगे। कितना प्रेम उनका जगन्नाथ से था, खो देंगे। और इससे भी अधिक उन्हें इस बात का दुख था कि उन्हें कांची में गणेश जी के पीछे स्थान दिया जाएगा। राजा ने भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना प्रारंभ कर दी। हे भगवान, हे जगन्नाथ, कृपया मेरी सहायता करें। आपकी सेवा में मार्ग जानने के कार्य में लीन रहने के कारण कांची के राजा ने मुझे अपमानित किया एवं राजकुमारी से मेरा विवाह को अस्वीकार कर दिया। यदि मैं इस युद्ध में पराजित हुआ तो क्या यह आपकी पराजय नहीं होगी? यह अपमान महाअपमान है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप गणेश जी के पीछे भाग में कैसे विराजमान होंगे? इस रात को भगवान जगन्नाथ राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, तुम चिंता मत करो, कांची के राजा एवं उसके सैन्य दल से युद्ध करने पुनः युद्ध भूमि में जाओ। युद्ध काल में मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी सहायता करूंगा। अभी एक हमारे गुरु भाई थे, वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। वो पुरी के ही थे, उड़ीसा के थे। उन्होंने ये शब्द कहे, यहाँ तो नहीं लिखे हैं, उन्होंने ये शब्द कहे थे कि जब राजा दुखी होकर प्रार्थना करने लगा तो जगन्नाथ ने कहा, तो पहले युद्ध में गया, मेरे से मेरी अनुमति तो तूने ली नहीं थी, मेरे से पूछा नहीं था, राजा आवेश में आके चले गए ना। ये उन्होंने शब्द बताए थे। लेकिन यहाँ राजा को दुख हो रहा है कि मैं कैसे अपने भगवान को गणेश जी के पीछे रखूँगा अगर मैं हार गया। तो भगवान ने स्वयं सपने में कहा, मैं खुद चलूँगा युद्ध में। राजा जग गए और भगवान द्वारा यह संकेत पाकर कि भगवान स्वयं परिस्थितियों का समाधान करेंगे, अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा पुरुषोत्तम देव बहुत प्रसन्न हुए। वह कांची के राजा के साथ युद्ध करने के लिए उत्साह से भर उठे। उत्साह आ गया बड़ा। उत्साह से ही काम होता है, जिसमें उत्साह नहीं है वो क्या काम करेगा। प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में प्रचार करने का बड़ा उत्साह था, बहुत उत्साह था। इनकी चरणों में प्रार्थना करो, हमें भी भक्ति करने का उत्साह आए और हमारा जीवन भी सफलता के पथ पर आगे बढ़े। राजा पुरुषोत्तम देव ने युद्ध के लिए दूसरी बार कांची की यात्रा प्रारंभ कर दी। इस समय भगवान जगन्नाथ एवं बलराम उनकी ओर से युद्ध करने उनके साथ गए। सैनिकों का रूप धारण करके भगवान जगन्नाथ एक श्याम वर्ण अश्व पर सवार हुए एवं बलराम श्वेत वर्ण अश्व पर सवार हुए। दोनों हमारे भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, तो श्याम रंग का उनका घोड़ा है और बलदेव जी गोरे हैं तो उनका गोरे रंग का घोड़ा है। दोनों हुए वैशाख मास होने के कारण, गर्मियों के दिन थे, वैशाख मास अप्रैल महीना,
होने के कारण मौसम अत्यंत गर्म था और उड़ीसा में बड़ी गर्मी होती है। ज्यों ही वे चिल्का झील से होकर गुजरे, शीतल जल को देखकर उनकी प्यास जागृत हो गई। उन्होंने एक वृद्ध ग्वालिन को देखा जो मटकी को सर पर रखे हुए थी। जगन्नाथ बलदेव की बात हो रही है, चिल्का झील और दोनों भाई घोड़ों पर जा रहे हैं, जगन्नाथ और बलदेव। गर्मियों के दिन थे, उनको प्यास लग गई। भगवान को भी प्यास लगती है जब वो लीला करते हैं, इसलिए भगवान के पास पानी जरूर रखना चाहिए पीने के लिए। उन्होंने एक वृद्ध ग्वालिन को देखा कि मटकी को सिर पर रखे हुए थी। ग्वालिन गांव की औरत, मटकी सिर पर रखी है उसने। इस मटकी में दुग्ध माखन था, दूध और माखन था, मतलब होगी लस्सी होगी। उसका नाम मनिका था, उस माता का नाम मनिका था, धन है मनिका माता भी। और वह दुग्ध माखन को बेचने के लिए बाजार जा रही थी। जगन्नाथ बलदेव की इच्छा दुग्ध माखन पीने की हुई, अतः उन्होंने ग्वालिन को रोका एवं अभी भगवान घोड़ों पर जा रहे हैं, राजा के साथ नहीं अलग से जा रहे हैं, रोका। अतः उन्होंने ग्वालिन को रोका एवं उस मटकी के संपूर्ण दुग्ध माखन को पी लिया। और जो लस्सी होगी, दुग्ध माखन दूध लिखा है पर लस्सी और मक्खन उसका पी लिया दोनों भाइयों ने। जब उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया तो वे अपनी यात्रा के लिए चलने लगे। वृद्ध ग्वालिन मनिका परेशान हो गई, वो गरीब औरत थी बेचारी, हो गई कि जगन्नाथ बलदेव उनके दुग्ध माखन का मूल्य नहीं दे रहे हैं। उसको पता नहीं है ये जगन्नाथ बलदेव हैं, वो साधारण सैनिक जा रहे हैं। अतः उसने उन्हें रोक लिया और मूल्य चुकाने को कहा। अगर उसे पता होता ये भगवान है तो कह दी जाइए बड़ी कृपा आपकी। वे बोले, हम सैनिक हैं और युद्ध के लिए जा रहे हैं, हमारे पास धन नहीं है। भगवान जगन्नाथ बलदेव की लीला देखो, मेरे पास धन नहीं है। वृद्ध महिला रोने लगी, वो माँ रोने लग पड़ी। दुग्ध माखन ही उसकी आय का एकमात्र साधन था। उसे बाजार से जो भी धन प्राप्त होता उससे उसके परिवार का भरण पोषण होता। उसने यह बात जगन्नाथ एवं बलराम के सामने रखी तो जगन्नाथ अपने घोड़े से नीचे उतरे और उन्होंने अपनी अंगुली से पहनी हुई स्वर्ण मुद्रा, सोने की अंगूठी वृद्ध महिला को देते हुए कहा, इसे अपने पास रख लो, कुछ समय पश्चात हमारे राजा इस मार्ग से निकलेंगे, जब वह यहाँ आए तो उन्हें यह स्वर्ण मुद्रा दे देना और उनसे अपने दुग्ध माखन का मूल्य मांगना, और वह तुम्हारे माखन का मूल्य तुम्हें दे देंगे। अनिच्छा से वृद्ध महिला ने वह अंगूठी ले ली और दोनों भाई युद्ध भूमि की ओर चल दिए। वृद्ध ग्वालिन मनिका राजा के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए मार्ग के किनारे पर खड़ी हो गई। कुछ समय के पश्चात उसने राजा को अपने दलबल के साथ आते हुए देखा। मनिका ने राजा को रोका और उसने कहा, तुम्हारे सैनिकों में से दो सैनिक काले रंग और दूसरे श्वेत रंग के घोड़े पर सवार होकर इस मार्ग से जा रहे थे। वे दोनों भाई प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने
मेरा दुग्ध माखन पिया। किंतु उनके पास मूल्य चुकाने का धन नहीं था। उसने अपनी हथेली राजा के समक्ष कर दी और उन्होंने स्वर्ण मुद्रा दिखाते हुए बोली, उन्होंने मुझे आपको देने के लिए यह अंगूठी दी है। उन्होंने मुझसे इस स्वर्ण मुद्रा के बदले में आपसे दुग्ध माखन का मूल्य प्राप्त करने को कहा है। कृपया यह अंगूठी ले लें तथा मेरे दुग्ध माखन का मूल्य चुका दें। देखो यहाँ थोड़ी सी विचारने की बात है। वो गरीब औरत है बेचारी, बड़ी गरीबी है, लेकिन वो भी नेक आत्मा है, तभी तो जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे उसको। सोने की अंगूठी तो उसके दुग्ध माखन से बड़ी कीमती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। वो जितने थोड़े पैसे मिलते थे उसी में गुजारा करने के लिए। उसके मन में कोई छल कपट नहीं आया, मन उसका शुद्ध था। भाई अंगूठी ले लो और मेरे दुग्ध माखन का मूल्य मुझे दे दो, जिससे मैं अपने परिवार का पोषण कर सकूं। जब राजा ने वे अंगूठी देखी तो आश्चर्यचकित रह गए, क्या मैं यह सुधान अंगूठी मुद्रिका नहीं थी, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ की हीरे की मुद्री थी, मुंद्री थी, हीरे की मुंद्री थी। तब मैं समझ गए कि भगवान जगन्नाथ के दिए हुए वचन का पालन करने हेतु दोनों भ्राता सैनिकों के रूप में युद्ध के लिए कांची की ओर चले गए हैं। भगवान पहले ही चले गए, राजा सेना लेके बाद में आ रहा है। राजा को इससे विश्वास हो गया कि विजय उसकी ही होगी तथा वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उन्होंने मनिका से कहा, आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो आपको भगवान जगन्नाथ एवं बलराम के दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। बोलो मनिका माता की, उस भगवान के दर्शनों में गरीब औरत है, परम पता नहीं उसको दे, पर वो ईमानदार है। हीरे की अंगूठी कितनी कीमती होगी, दूध दही का या दूध में अपना उसका लस्सी का माखन और लस्सी की कितनी कीमत होगी, थोड़ी सी होगी। लेकिन उसने अंगूठी नहीं रखी, राजा को दी। भगवान उसको उसके अंतरात्मा को जानते थे, तभी उसको दर्शन दिए। जो आपको भगवान जगन्नाथ एवं बलराम के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ, तो आपको दुग्ध माखन अर्पण करके उनकी सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं निश्चित ही भगवान की आज्ञा अनुसार आपको मूल्य दूंगा। क्या मूल्य दिया, सुनो ध्यान से। राजा स्वयं भगवान जगन्नाथ की अपनी सेना में सम्मिलित होकर युद्ध करने के विषय में जानकर स्वयं को इतना अधिक गौरवान्वित एवं उत्साहित अनुभव करने लगे कि उन्होंने वृद्ध महिला को पुरस्कारों से लाद दिया। बड़े खुश हो गए, दुनिया भर के पुरस्कार उस महिला को दिए उन्होंने, गरीब औरत को। उन्होंने महिला को अनेक ग्रामों का स्वामित्व, कई गांवों की स्वामी बना दिया, उस महिला को प्रदान कर दिया, जिससे वह गांव वासियों से लगान प्राप्त कर अपने परिवार का जीवन यापन सरलता पूर्वक कर सके। लगान देना पड़ता है सबको, वो सब उसको मनिका को दिया जाए, अपने परिवार का पालन करें। राजा ने तुरंत ही उस स्थान पर जहाँ भगवान ने दुग्ध माखन का पान किया था, एक ग्राम की स्थापना की, ग्राम स्थापना किया और स्थान का नाम रखा मनिका पटना, मनिका पटन उसके नाम पर ही गांव बना दिया। यह गांव आज भी उड़ीसा में है, ये गांव आज भी है उड़ीसा में। मनिका पटना राजा
कांची की ओर चल दिए। दोनों ओर की सेनाओं के मध्य महायुद्ध हुआ। कांची के राजा के सैनिकों ने पुरुषोत्तम देव की सेना में दो नए सैनिकों को देखा। उनमें से एक श्याम अश्वपर, दूसरा श्वेत अश्वपर सवार होकर युद्ध कर रहे थे। यह दोनों सैनिक इतनी वीरता और तीव्रता के साथ लड़े कि कोई भी उन्हें हरा ना सका। भगवान लड़ रहे, कौन हरा सकता उनको। कांची के राजा की सेना की अनेक सैनिकों सैनिक मारे गए। कांची का राजा युद्ध में पराजित हो गया। पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा के स्थान पर राजकुमारी पद्मावती को बंदी बना लिया। राजा को नहीं, पद्मावती को बंदी बनाया। अभी देखो, एवं राजकुमारी के साथ अपने भावी विवाह विच्छेद का बदला लेने के लिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह मार्ग झाड़ने वाले किसी चंडाल के साथ करने की योजना बनाई। उस बेचारी का तो कोई दोष नहीं था, राजा का दोष था, कांची के राजा का। कांची के राजा मूर्ख है, भक्त नहीं है। तो बदला लेने के लिए पद्मा का विवाह चंडाल के साथ करने का योजना अपना पुरुषोत्तम देव जी ने बना दी। यह समाचार सुनकर प्रत्येक व्यक्ति गहन दुख में डूब गया। राजकुमारी पद्मावती भी यह समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि वह महाराज पुरुषोत्तम देव से वास्तविक प्रेम करती थी। वह जानती थी कि यह कार्य उसके पिता के दुष्कृत के फल है। ये जो राजा कर रहा है पुरुषोत्तम देव, ये उसके पिता का दुष्कृत फल है। किंतु पुरुषोत्तम देव का मंत्री अत्यंत ही चतुर था। पुरुषोत्तम देव जी का जो बड़ा मंत्री था, वो बड़ा चतुर था, बुद्धिमान था। उसने क्या किया, उसने कुछ समय तक देर रखने की सलाह दी। जब तक राजकुमारी से विवाह योग्य कोई उपयुक्त चंडाल लड़का नहीं मिल जाता, पुरुषोत्तम देव जी ने अपने मंत्री को कहा कि इसका पद्मावती का मंदा विवाह किसी चंडाल से कर दो। मंत्री बड़ा चतुर था, तो उसने कहा कि महाराज को मैं चंडाल लड़का ढूंढता हूँ, और जब तक वो राजकुमारी से विवाह योग्य कोई उपयुक्त चंडाल लड़का नहीं मिल जाता, तो मैं शीघ्र ही राजकुमारी को अपने साथ ले गया और एवं उसे अपने गृह में शरण दी। राजकुमारी पद्मावती स्वामी को अत्यंत अभागी अनुभव कर रही थी, क्योंकि उड़ीसा की महारानी बनना उनकी नीति में नहीं था, और ना ही वह अपने राजा की सेविका हो सकती थी। उसे लगा कि उसके कष्टों का अब कोई अंत नहीं है। मंत्री ने अपने घर में शरण दी पद्मावती माता को, राजकुमारी को। रथ यात्रा की तिथि निकट आ रही थी। उत्सव में सम्मिलित होने के लिए हजारों मनुष्य दूर दूर से पुरी आ रहे थे, एवं उस क्षेत्र में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न थे। किंतु किसी चंडाल लड़के के साथ अपने विवाह की बात सोचकर राजकुमारी पद्मावती अत्यंत दुखी थी। एक दिन मंत्री ने उसके पास आकर कहा कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ वस्त्र धारण कर लो, पद्मावती माता को कहा, क्योंकि आज आपके विवाह का दिन है। जैसे कि पद्मावती ने यह बात सुनी, वह यह सोचकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ रोने लगी कि अब उसे अपने शेष जीवन किसी चंडाल के घर में पर व्यतीत करना पड़ेगा। मंत्री ने यह कहते हुए उसे सांत्वना दी, राजकुमारी कृपया आप चिंता मत करो और भगवान जगन्नाथ पर विश्वास करो। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो श्रेष्ठ मंत्री जी की, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। वहां उपस्थित समस्त स्त्रियों ने पद्मावती का अत्यंत आकर्षक श्रृंगार किया। वह एक पालकी में बैठकर मंत्री के साथ चल दी। पद्मावती माता
और आगे की कथा कल होगी। मंत्री जी बैठा के उनको रथ यात्रा में ले आएंगे, कल की कथा का पाठ कल होगा। तो देखो कैसे हमारे भगवान भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं। इसलिए सभी को, इंटरनेट में सुनने वालों को, यहाँ सुनने वालों को, सभी बच्चों को, बड़ों को ये संदेश है, बस भगवान को मत छोड़ो। कोई भी परिस्थिति आए, भक्ति मत छोड़ो। भगवान बहुत दयामय हैं, उनकी दया कल के प्रसंग में आपको पता लगेगी क्या किया भगवान ने पद्मावती माता के साथ, उसका विवाह चंडाल से हुआ या किससे हुआ, ये कल ही पाठ होगा उस कथा का। सबका धन्यवाद। जगन्नाथ भगवान, बलदेव भगवान, सुभद्रा माता, सुदर्शन चक्र जी महाराज, ये सब हम पर कृपा करें, हमें भक्ति का दान दें। जगन्नाथ भगवान ने जैसे मनिका माता पर कृपा की, उससे दुग्ध माखन पिया, लस्सी पी, जो भी था वो दुग्ध माखन यहाँ वर्णन आ रहा है, हम पर भी कृपा करें, हमें भी भक्ति का दान दें, ताकि ये हमारा मनुष्य जन्म लेना सफल हो। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा जन्म विफल है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, इंटरनेट में सुनने वालों का धन्यवाद। हरे कृष्ण। नीरज दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि हमें अपराध शून्य नाम लेना है, हैं? अपराध शून्य नाम लेना है, मगर काम वासना भी कंट्रोल में नहीं है, तो कैसे होगा? लोदी जी, धीरे धीरे होगा, चुटकी बजाने से कुछ नहीं हो जाएगा, लगे रहो, प्रयास करते रहो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे होगा, ऐसे नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। भक्ति करो, नाम जपो, जितना ज़्यादा नाम हो, अपराधों से बचो, फिर आगे बढ़ पाओगे। हरी भक्ति माता मुंबई से। कौन सी भक्ति माता? हरी भक्ति। हरी भक्ति कहाँ से? मुंबई। मुंबई से। अच्छा, अपनी तरुण, उसकी तरुण की पत्नी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे ताया जी डॉक्टर सतीश ओबराय बहुत बीमार हैं। वो दो दिन पहले बाथरूम में गिर गए थे और उनका दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ा, उनके दिमाग में क्लोट हो गया है। वे मृत्युशैया पर हैं और आज किसी भी समय डॉक्टर्स उनको वेंटिलेटर से उतार देंगे और उनका शरीर छूट सकता है। अगर आपको ध्यान होगा तो, अगर आपको ध्यान होगा तो वो पहले उधमपुर मंदिर में क्लिनिक में सेवा करते थे। कौन से डॉक्टर से ओबराय? डॉक्टर सतीश ओबराय जी। और जिसका ऑपरेशन, उनकी माँ का ऑपरेशन उन्होंने ही किया था। अच्छा, वो उधमपुर मंदिर में सेवा करते थे और उधमपुर से अमृतसर शिफ्ट होते समय उन्होंने अपना स्कूटर भी मंदिर में दान दिया। अपना स्कूटर भी मंदिर में दान दिया था। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। इसके वो हैं ताया जी। ताया जी हैं। अच्छा अच्छा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि उनकी आगे की जर्नी अच्छी रहे और उन्हें भगवत कृपा और भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त हो। एक तो तुम ऐसा करो हरि भक्ति माता, कि अपने पिताजी को फ़ोन करो अमृतसर में, कि उनके आगे पीछे हरि नाम का उच्चारण हो, अंतिम समय में उनके कान में हरि नाम जाए, और वो मंदिर से गंगा जल मंगवाओ, अमृत अपना गंगा जल चरणामृत और भगवान के फूलों की माला और तुलसी दल उनके मुँह में डालो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान उन पर कृपा करें, उनका आखिरी समय अच्छा हो। सतीश ओबराय में समझ गया, और वो उसको बोलो हरि भक्ति को, उनका फोटो भेज देना उस पर। समझाइए हरि भक्ति तेरे को। तो गुरु महाराज जी का
जगन्नाथ कथा गायन करने का बहुत बहुत आभार। तो हम सभी तीन बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज उधमपुर से श्रीमन विनोद शर्मा जी, अर्चना और उनके सुपुत्र अंतरिक्ष और तलिक्ष की तरफ से गुरु पूर्णिमा की सेवा आई है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। विनोद शर्मा जी 16 माला जप करते हैं, नियम करते हैं, तो वो गुरु महाराज जी से आशीर्वाद चाहते हैं। कौन सी शर्मा? विनोद शर्मा, विनोद शर्मा। वो क्या उनका जन्मदिन आज? आशीर्वाद चाहते हैं वो। विनोद जी मेरी शुभकामनाएं। विनोद जी मेरी, विनोद शर्मा मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। बस खूब नाम जपो, भगवान का 16 माला जपते हैं, प्रयास करो हर समय भगवान के चरणों में हमारा ध्यान रहे और हम भक्ति पथ में आगे बढ़े। हरे कृष्णा, बोले गुरु महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है,